उसके बाद अभी भी मेरे सर में इतना तेज दर्द है, मैंने दवाई 2 बार खा ली फिर भी पता नहीं क्यों ठीक ही नहीं हो पा रहा यार। नमस्ते, हाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, इट्स सो बॉय विशाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास ना सारा जितना भी मेरा बैकअप था वो सब कुछ खत्म हो गया। अभी जो मेरी तबीयत है ना वो इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा, मैं मतलब लगातार पूरा, मेरे को ना 1.5 दिन हो चुका है बीमार हुए। मैं कल शाम से मतलब ना बीमार था और अभी जाके रात को दवाई ली, सोया, बट सुबह मैं देखा था ठीक हो जाऊँगा, बट सुबह मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ और ज़्यादा ख़राब हो गई मेरी तबीयत। रात से मतलब अभी तक तो मैंने कुछ नहीं खाया है, फिर मैंने सुबह एक बार दवाई ली और फिर मैं थोड़ा मतलब रिलैक्स करने का सोचा। अभी मैं उठा हूँ, अभी 3 बज चुके हैं एंड अभी भी मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं आज सारा ना इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मतलब फीवर भी हो रहा है एंड उसके साथ जुकाम भी हो रहा है। अब ना मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई मेरे साथ हुआ क्या। मैं ना बारिश में भीग गया था परसों के दिन, दैन उसके बाद फिर तब से हो गया, पता नहीं क्या ही हुआ। अभी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। इतना अच्छे मतलब मैंने सोचा था आज मैं वीडियोस बनाने जाऊँगा पर सब कुछ पानी में बह गया। तो क्या ना अभी बस ये यार कि पता नहीं कब ठीक होऊंगा भाई। सो अभी सबसे पहले कुछ खा लेते हैं एंड सॉरी ये ब्लॉग जो है ना मैं आज ही बना रहा हूँ एंड आज पोस्ट करूँगा, वो सारा बैकअप भी ख़त्म हो गया यार। ये रही अपनी चाय, ये रहे अपने चावल एंड ये रहा बिस्किट। सुबह ना आरती है, पता नहीं कौन मम्मी पराठे रख के गए, वो भी अभी तक ऐसे रखे हैं, या तो पापा खा गए शायद, मैं तो ऐसे रख के और फिर सो गया। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ दवाई लेने के लिए, मैं पहले भी लेके आ चुका था बट वो वाली दवाई मेरे लगी नहीं, तो अभी किसी और मेडिकल पे जा रहा हूँ मैं। पहले ना मैं यहीं पास वाले मेडिकल से लाया था बट एक मेडिकल और है जहाँ वाली मेरी थोड़ी सी दवाई लग जाती है, तो अभी वहीं पर जा रहा हूँ दवाई लेने। मेरे साथ तो ना भाई हर चीज़ गलत ही हो रही है। अभी देखो मेडिकल ही बंद है, ये वाला मेडिकल था एंड अब ये बंद ही है, वाला तो मेडिकल ही बंद है, अब कहाँ जाऊँ यार। तो गाइज अभी हम घर पे आ गए हैं पेट्रोल डला के और अब हम जाएंगे मार्केट बिकॉज बहुत सारे सामान लेके आने थे एंड आज ना जन्माष्टमी भी है तो सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। क्या क्या लेके आना है? ये बुक्स इसके ना चेंज करवा के लानी है सारी, ये दोनों बुक्स ना चेंज करवा के आनी है। तो ये तो फिर नाम भी लिख लिया है, फिर कहाँ से चेंज होगी? जिस पे नाम नहीं लिखा वो वाली दे दे। सो अभी चलते हैं मार्केट एंड ये वाली बुक्स चेंज करवा के लाते हैं एंड उसके अलावा ना 2-3 चीज़ें और लेके आनी है। अभी हम शॉप पे पहुंच चुके हैं, भैया ने ना बोला कि 2-3 की चेंज आएगी बट ये जो पेन वाली है ना ये शायद थोड़ा मुश्किल है, बाकी अभी इनको तो चेंज करा रहे हैं। हमारी गाड़ी ना पहले ही खराब हो रही थी एंड अब तो स्टार्ट भी नहीं हो रही है, पेट्रोल तो अभी डला के आए थे यार। हमारी गाड़ी को पता ही नहीं क्या हो गया भाई, चलती नहीं है अच्छे से, नहीं चालू हो रही। कर ट्राई अभी ना गाइस, हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई करे तो करे क्या। बीच स्कीम में और गाड़ी बंद हुई है, घर यहाँ से बहुत दूर है, बहुत दूर। अभी तो हम बीच मार्केट में पहुँच चुके हैं, अब यहाँ ये है कि भाई ठीक करेगा कौन इस गाड़ी को। गाड़ी को ना अभी खोलना पड़ रहा है, देखो यहाँ नीचे से तो पूरा खोल दिया इसको, अभी भी ठीक नहीं है। बीच बाजार में बंद हो गए, ये देखो पूरा मार्केट है एंड हम लोग बीच में बैठे हैं एकदम। बताओ गाइस, गाड़ी होते हुए भी हमको ना पैदल पैदल ही घूमना पड़ रहा है, गाड़ी चलने लिए इसको और इधर से उधर घुमाना पड़ रहा है, बताओ यार कुछ नहीं कर सकते भाई अभी। गाइस अभी ना हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या करें, बीच रास्ते में फंस गए हम तो। धीरे धीरे हम चला के यहाँ तक तो पहुँच गए बट अभी देख रहे हैं कि घर तो यार बहुत ही ज़्यादा दूर है। पेपर भी नहीं मिले ना भाई, हमारे वॉल का पेपर मिला, मतलब सब कुछ गलत ही हो जा रहा है। तो अभी हमने एक अपने दोस्त को फ़ोन तो किया है, उसने बोला है कि मैं आ रहा हूँ, सब देखते हैं वो भी आते हैं नहीं आता, अगर वो आ जाए तो भाई बहुत बढ़िया है। तो गाइस अभी ना घर पे पहुंच गए और सही बताऊँ ना मेरी तबीयत अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है एंड उसके अलावा एक चीज़ मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि जैसे मैं अभी तक घर पे आया ना उसके बाद
अभी भी मेरे सर में इतना तेज दर्द है, मैंने दवाई 2 बार खा ली फिर भी पता नहीं क्यों ठीक ही नहीं हो पा रहा यार। सो अभी देखते हैं यार क्या ही करना है। और अभी तक ना मैंने खाना भी नहीं खाया, सुबह एक बार मतलब खाया था, उठने के बाद खाया था, देन उसके बाद अभी खाएंगे। अभी मम्मी ने पूड़ी वगैरह बनाई है, थोड़ी सी पूड़ी खाई थी, मतलब मेरे को भूख तो लग रही है बट मन नहीं हो रहा। अब ये पता नहीं क्या ही सीन है भाई, मतलब मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा लेकिन भूख बहुत तेज लग रही है, बट खाना तो पड़ेगा यार क्योंकि दवाई लेनी है ना। सो अभी देखते हैं भाई क्या ही करना है। एंड मेरे को ना एक चीज और, मेरा ये डर लग रहा है कि मैं कहीं यार कोरोना पॉजिटिव नहीं हो गया हूँ, बिकॉज ना मैं कल से देख रहा हूँ जयपुर के अंदर इतने सारे केसेस आ रहे हैं बट मैं तो ऐसे किसी से मिला ही नहीं यार। वह तो ऐसे कैसे हुआ होगा, वो तो बारिश में भीगने की वजह से हो गया, बट ऐसे थोड़ा ना कोरोना पॉजिटिव हो सकता हूँ मैं। आज हमारे ना ये करके बनाए तो पूड़ी, उसके अलावा सब्जी भी है, बस ये 2 ही चीजें मतलब पूरी है एंड एक सब्जी है। अभी जस्ट ना मैं दवाई लेके आया हूँ, एक तो 4-4 दे दी, बताओ एक बार में 4-4 कौन देता है यार, 1, 2, 3, 4 गोली। पहले तो ना मैं फिर भी दवाई नहीं खा पाता था, आजकल तो खा लेता हूँ। आज से मतलब ना आप मानोगे नहीं, 7-8 महीने पहले मैं ना गोली नहीं खा पाता था, बट फिर धीरे धीरे सीखा एंड अब तो खा लेता हूँ। हमारे गली के बाहर ना डॉग्स भोग रहे हैं बहुत सारे, तो इस वजह से अभी कुछ नहीं कर सकते, उनकी आवाज़ आ रही होगी। अभी अपन जल्दी से दवाई खा लेते हैं, देन उसके बाद या तो सोऊंगा या फिर आज जन्माष्टमी में है तो मंदिर जाऊंगा रात को 12 बजे। एंड आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट के अंदर मेरी गलती में से ज़रूर बताना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाना। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है इंस्टाग्राम का, जाओ फॉलो करो। सो मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, बाय। अब हम जाएंगे मार्केट बिकॉज बहुत सारे सामान लेके आने थे एंड आज जस्ट एंड आज अरे यार बोला क्यों जा रहा।